मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे? लाल किले से पीएम मोदी की ये अपील तो आपको याद ही होगी। इस अपील के पीछे की उनकी सोच को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आखिर क्यों पीएम मोदी हर हाल में आपसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने को कह रहे हैं? आप जहां जाकर के आएंगे, वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। दरअसल दुनिया भर पर छाई मंदी की इस मार में भी अगर बिना रुके चलने वाले कोई व्यवसाय हैं, तो वे हैं पर्यटन से जुड़े काम धंधे। दूर की सोच रखने वाले मोदी ये जानते हैं कि जब मंदी की मार छाई हो तब भी भारत जैसे देश के पास पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया को अपनी ओर खींचने की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने एक नई ई टूरिस्ट वीजा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पर्यटकों की संख्या के आधार पर वीजा शुल्क लिया जाएगा। जुलाई से मार्च तक जब अधिक संख्या में पर्यटक भारत आते हैं, उस दौरान भारत पर्यटकों से $25 फीस के साथ 30 दिनों का ई टूरिस्ट वीजा देगा। वहीं अप्रैल से जून के दौरान जब पर्यटकों की संख्या में कमी रहती है, $10 की फीस पर 30 दिनों का ई टूरिस्ट वीजा जारी किया जाएगा। $80 की फीस पर नया 5 साल का ई पर्यटक वीजा और $40 की फीस पर 1 साल का ई टूरिस्ट वीजा भी शुरू किया गया है। देश के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर विदेशी भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। साइन बोर्ड्स पर QR कोड भी होंगे। उस QR कोड को स्कैन करने पर उस स्मारक या पर्यटक स्थल व उसके इतिहास और उसी भाषा में उससे जुड़ी सभी जानकारियां पर्यटक ले पाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार टारगेट करके तय करें?